हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एकादशी है और हमारे हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय के लिए एकादशी का बहुत बहुत महत्व बताया गया है। हर माह दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। अब इन दोनों में शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी होती है उसकी महिमा कहीं अधिक मानी जाती है। एकादशी को हम ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत प्रारंभ कैसे हुआ? साल में 26 एकादशियां आती है और माना जाता है एकादशी पर जो चंद्रमा का पोजीशन होता है वो मनुष्य के शरीर पर बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। एकादशी से लेकर के ही पूर्णिमा या अमावस्या तक चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन पे बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं। कहते हैं 48 दिनों में 3 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन मनुष्य को निराहार रहना चाहिए, और हर 48 दिन में वो 3 दिन कौन से होते हैं? 3 एकादशियां, जिसमें मनुष्य को निराहार रह करके या कम से कम उस दिन कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए, स्पेशली तामसिक भोजन बिना किए सात्विक भोजन करके या फलाहार करके निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को उस दिन इतने भोजन की आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों, सच बताती हूँ, हेल्थ के हिसाब से भी अगर आप एकादशी व्रत करने लगते हैं तो माना जाता है आपकी आयु अपने आप लंबी हो जाती है, बॉडी अपने आप सेल्फ डिटॉक्स करती है। एकादशी व्रत प्रारंभ कैसे हुआ, हमारे शास्त्रों में बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को बताया गया है। भगवती एकादशी है कौन, इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसा बताते कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर ने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने सारे प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के त्रिविध तापों से मुक्ति के लिए हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास, इसको करने का बहुत बहुत महत्व होता है, और अगर आप व्रत नहीं भी करते तो कम से कम कुछ नियम होते हैं उसका पालन सभी को करना चाहिए। सभी धर्मों में अलग अलग बताया गया है ये सब, खास करके हिंदू धर्म में एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी की रात से ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें, किसी भी प्रकार की मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा, मसूर की दाल आदि जो भी तामसी वस्तुएं हैं, निषेध वस्तुएं हैं, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह एकादशी के दिन माना जाता है लकड़ी की दातुन आदि, पेस्ट आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर आज के ज़माने में ये फिजिबल नहीं रहता है, इसलिए आप उस दिन उपयोग करें, लेकिन ध्यान रखें उस दिन ट्राई करें आप उंगलियों से ब्रश करें, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के माना जाता है चबाते थे पहले के लोग, और उंगली से कंठ को शुद्ध करते थे। वृक्ष से पत्ता तोड़ना इस दिन वर्जित होता है, इसलिए जो भी लोग पत्तों से जीप आदि साफ करते हैं उन्हें स्वयं से उठा करके जो ज़मीन पे गिरे हुए पत्ते होते हैं उसका सेवन करना चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल ना हो दोस्तों, उंगली से मंजन रगड़ के कुल्ला कर ले अच्छे से, और फिर स्नान करें। स्नान के समय आप अगर थोड़ा सा हल्दी अपने स्नान के जल में डालते हैं तो ये आपके लिए लक्ष्मीदायक होता है। स्नान आदि करके अपने मंदिर में जाएं और विष्णु भगवान अगर आपके पास हैं तो उनको पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई आदि से उनका पूजन करें, और नहीं तो चुपचाप बैठ करके उनका नॉर्मल चंदन आदि से तुलसी चढ़ा करके आप गीता पाठ करें। आप चाहें तो कहीं से सुन भी सकते हैं, अगर आप खुद गीता पाठ नहीं करना चाहते तो आप सुन लें किसी पंडित जी से, कोई वीडियो से, कोई ऑडियो से, इस तरह से आप सुन लें और प्रभु के सामने बैठकर इस तरह से प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, आज ना ही मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ, ब्राह्मण आदि को, किसी गरीब को, किसी भी नीडी पर्सन को फलाहार दूंगा, अन्न का दान दूंगा और प्रसन्न करूंगा, रात को जागरण करके कीर्तन करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, मुझे इस प्रण को पूरा करने में शक्ति प्रदान करें।
दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी अपने शब्दों में जो आप बोल सकें उस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आज मेरे इस व्रत के संकल्प को आप पूरा करें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, जो भी आप चाहें एकादशी वाले दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। और कुछ ना हो सके अपनी सोसाइटी में अपनी फैमिली के साथ बैठ के थोड़ी देर रात को सोने के पहले विष्णु भगवान का कीर्तन करें, ये भी आपके लिए विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एकादशी के दिन किसी भी तरह के ड्रिंक्स आदि गलत टाइप की चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आपको नहीं पीनी चाहिए। जो कई लोग कहते हैं कि फ्रूट जूस वगैरह जो पैक्ड फ्रूट जूस होते हैं रियल आदि की, तो वो कहते हैं कि ये सब आप पी सकते हैं, तो दोस्तों ये भी आपको नहीं पीना चाहिए। फलों के जो डिब्बा बंद रस होते हैं वो आपको नहीं पीने चाहिए। आइसक्रीम आदि तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दो बार आपको भोजन नहीं करना चाहिए। घर में थोड़ा सा फ्रूट जूस निकालें, आप बाज़ार में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये तीन दिन के नियम आपको पालन करने होते हैं। कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द की दाल, चने की दाल, कोदो होता है एक प्रकार का धान, वो शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान, अधिक जल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। कभी भी एकादशी आदि करें जल कम पिए। व्रत के पहले दिन दशमी को, दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय का घी का एक बार आप भोजन कर सकते हैं। फलाहारी को, जो भी फलाहार कर रहे हैं उनको गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत जो फल होते हैं उसका आपको सेवन करना चाहिए। जुआ हुआ, निद्रा हुई, पान हुई, पराई निंदा हुई, चुगली हुई, चोरी हुई, हिंसा हुई, पुरुष स्त्री का संग हुआ, क्रोध हुआ, झूठ हुआ, कपट हुआ, किसी भी प्रकार के कुकर्म से आपको नितांत दूर रहना चाहिए। माना जाता है हमारे शास्त्रों में बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, वो है बैल की सवारी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों स्पेशली इस दिन निंदा ना करें, भूल वश भी किसी अगर निंदक से, कोई बुराई करने वाले से आपकी बात भी हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए बोलते हैं बहुत कठिन नियम के पालन करने पड़ते हैं। भगवान सूर्य के दर्शन करके, धूप दीप करके, श्रीहरि की पूजा करके आपको क्षमा मांगनी पड़ती है कि आज मैंने इस गलत इंसान से बात करी। दोस्तों एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी हो, जो भी सूक्ष्म जीव हो, इनकी मृत्यु का भय रहता है। ट्राई करें अगर ज़रूरत हो, गंदा ज़्यादा होता है तो आप उसमें पोंछा लगवा लें थोड़े से, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको दाढ़ी, मूंछ, बाल आदि भी नहीं कटवाने चाहिए। मधुर बोलना चाहिए, ज़्यादा ना बोलें, थोड़ा सा कम बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन निकल जाते हैं। हमेशा क्या होता है जब हम बोलते हैं बिना बात की आदत होती है किसी किसी में, तो बकबक करके कितना बोल जाते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता है। बेकार की बातें बोलने से बचना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य भाषण, ऐसे भी जीवन में दोस्तों आप खुद देखेंगे जिस दिन आप झूठ का साथ छोड़ देंगे भगवान आपकी खुद रक्षा करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। हाँ, किसी जगह अगर कभी लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाए कि जीवन मृत्यु की बात हो जाए, वहाँ पर आपको झूठ अगर बोलना पड़ जाए तो आपको बोलना चाहिए किसी के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखें, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ इंसान को बोलने पड़ते हैं। ट्राई करें झूठ ना बोलें, कम से कम धीरे धीरे, अगर आपको झूठ बोलने की आदत भी है तो उसे कम करते जाएं ताकि धीरे धीरे आपको सच बोलने की आदत पड़ जाए। इस दिन आपको यथाशक्ति दान करना चाहिए। हम खुद अन्न नहीं खाते लेकिन जो नीडी पर्सन है, जो गरीब हैं, उन्हें, ब्राह्मण हैं, उन्हें अन्न का दान करना विशेष फायदेमंद बताया गया है। लेकिन आपको कभी भी व्रत करके किसी भी दूसरे का दिया गया अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़, ऐसे भी मैं कहती हूँ कि आप जो भी भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं रोज़, जो भी सात्विक भोजन आप बनाते हैं घर पे, उसको भगवान को आपको थोड़ा सा आगे करके भोग करके उसके बाद घर में वितरण करना चाहिए। इस तरह से भगवान का प्रसाद घर में बनता है, उस खाने में पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है और जब वो भोजन सभी लोग खाते हैं तो उनमें पॉजिटिविटी का वास होता है। इसलिए दोस्तों कोई भी वस्तु आप खाएं एकादशी वाले दिन भी,
प्रभु को भोग लगा करके विष्णु भगवान उनके कोई भी स्वरूप को भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल छोड़कर उसके बाद ही उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। तुलसी दल छोड़ना मतलब उसमें थोड़ा सा तुलसी खाने में रख दे भगवान को ताकि भगवान आरोग सके, उसके बाद थोड़ा सा जल घुमा करके भोग लगा करके आपको वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर बाय चांस किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। जो गुजर गए हैं उनको उसका फल दे दिया जाता है और श्री गंगा जी में पुष्प यानी अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। किसी से भी आपको छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल मीठा होता है, इस बात को हमेशा अपने मन में बना कर रखें। आप देखेंगे आज आप संतोष करेंगे, कल आपको जीवन में इसके मीठे फल ज़रूर मिलेंगे और मन में दया के भाव आपको ज़रूर रखने चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला हमेशा उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा आदि से प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा करने का भी विधान आता है। पर दोस्तों वैसे ब्राह्मण आजकल मिलते कहाँ हैं, जो इतने सतयुगी ब्राह्मण हो कि उनकी परिक्रमा करें आप तो उसका फल मिले, इससे अच्छा है आप किसी मंदिर में जाके किसी गरीब की परिक्रमा कराइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठ करके जहाँ पर भी आपने पूजन किया है आपने मंदिर में बैठ जाएं और वहाँ पर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े कर लें। जो चने आते हैं भुंजा वाले चने वो आप ले लें और 7 टुकड़े कर ले, उसके मतलब 14 टुकड़े कर ले उसको बीच में से ब्रेक करके और फिर उसको अपने सिर के ऊपर से घुमा करके फेंक देना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए ऐसी भावना करके 7 अंजलि आपको जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। इस तरह से दोस्तों व्रत का पारण होता है। इसके बाद आपको किसी भी गरीब आदि को ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें और उसके बाद खुद भोजन करें। दोस्तों इस प्रकार से व्रत करने वाले को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन एकादशी के दिन विष्णु मंत्रों का जप करना चाहिए। आपको हर समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से आपको मंत्र जप करते हुए विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो लोग भी कष्टों से दुखी है एकादशी व्रत का महात्म्य नहीं जानते एकादशी व्रत के नियम नहीं जानते उन सभी को आप इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों कुछ एक बातें और बता देती हूँ, दोस्तों आप फास्ट करें ना करें लेकिन कुछ एक बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आपको चावल खाना निषेध बताया गया है, माना जाता है मेधा ऋषि के बूंदों से रक्त की बूंदों से ये बना है जौ और चावल, इसलिए जौ और चावल खाने इस दिन निषेध बताए गए हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन फूल पत्तियाँ वो तुलसी पत्र तो स्पेशली होता ही आपको नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी पीपल के पत्ते आदि भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एकादशी व्रत करने के नियम क्या हैं और दोस्तों सभी लोग जो परेशानियों में हैं उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस चंद्रमा के कारक व्रत को करके अपने अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख सकें। ध्यान रखें दोस्तों सिर्फ हमारे भोजन का व्रत नहीं है, हमारे शरीर का व्रत नहीं है, हमारी इंद्रियों का भी व्रत है, इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।